Hello student, welcome to our channel Prime Physics. In this channel we are going to cover all important concept, all important sums for JEE and NEET. तो शुरू करते हैं very first point से जो physics के लिए चाहिए. मतलब physics बोला तो सबको बहुत difficult लगता है, बहुत tension आता है कि अरे physics difficult है, नहीं जमता है, बहुत सारे difficulties बच्चे, मतलब वो phobia है right from your childhood I can say. But here we are going to make it simple. We are going to make it so simple that you will crack all your question confidently. पर इसमें करना क्या है? हमने ये जो वीडियो सारे बनाए हैं, इस वीडियोस को आपको सीरीज में देखना है, because we are going to arrange these videos from easy to difficult. We are going to consider each and every student and according to them we are going to frame our lectures. So see to that you are following each and every video in a sequence so that you will understand in a better way. Let us start with the base of the physics. You know why physics is difficult? First, to understand physics, you should understand the language of physics. Physics ka language samajhna bahut zaruri hai. Aur physics ka language hai maths. Jis bache ka maths strong hai, wo physics mein guarantedly bahut achhe marks leke aayega aur confidently solve karega. To starting ke jo bhi videos hai, hum basic mathematics mein पढ़ेंगे, जो आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है, जो आप आगे पढ़ने वाले हो, पर फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है. बिना उसके आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक अलजेब्रा व्हिच इज आवर फर्स्ट टॉपिक. अभी ये सबको आता है, काफी ईजी है, तो भी फटाफट रिवाइज करते हैं. बेसिक अलजेब्रा जो आपने स्कूल लेवल पे देखा है, लेट मी राइट ए प्लस बी द होल स्क्वायर. द मोमेंट आई राइट यू नो द फॉर्मूला राइट, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इफ आई राइट ए माइनस बी द होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ओके, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. पहले तो एक छोटा सा चीज ये याद रखो, प्लस और माइनस रहता तो क्या होता है, व्हेन इट इज प्लस देन ऑल टर्म्स आर प्लस, देयर इज नो इश्यू. बट व्हेन इट इज माइनस देन ऑल्टरनेट टर्म्स आर नेगेटिव. मीन स्टार्टिंग विद पॉजिटिव, उसके बाद वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सेम वे यहां पे माइनस है बीच में, तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस साइन आएगा. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हमें बचपन से आते हैं, वी हैव लर्नड इट, वी हैव प्रैक्टिस इट सो मच, बट टू सर्टेन लिमिट राइट. इफ आई राइट ए प्लस बी रेस टू फोर, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए और करने के लिए राइट. या फिर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी रेस टू सिक्स, इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये ऐसे सम्स करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं. बेसिकली अभी मैं उस मेथड का नाम नहीं बता रहा हूं, अपन थोड़ा डिटेल में उसको बाद में स्टडी करेंगे, पर इसको शॉर्टकट से करने को सीखते पहले कि अगर ए प्लस बी रेस टू फोर आया या फिर ए प्लस बी रेस टू सिक्स आया तो इसको कैसे करते हैं. ठीक है, देखो मैं हमेशा बोलता हूं देयर आर थ्री थिंग्स व्हेन यू आर राइटिंग एनी फॉर्मूला, देयर आर थ्री थिंग्स. पहला तो ये फर्स्ट टर्म जो ए है, फिर ये बी जो सेकेंड टर्म है, और तीसरा चीज होता है कोएफिशिएंट. ठीक है, तो हमेशा हम पहले क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हैं, बराबर है, पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं ए का कुछ पावर और बी कुछ पावर के साथ, तब जाके एक टर्म बनता है. तो कोई भी जब टर्म बनता है, कोई भी टर्म चेक कर लो, चलो ये चेक कर लो, देखो ये टू क्या है, कोएफिशिएंट है, ए का पावर यहां पे वन है, बी का पावर यहां पे वन है. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग टर्म्स, वी फर्स्ट राइट कोएफिशिएंट देन ए का पावर एंड बी का पावर. चेक इट आउट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए का पावर एंड बी का पावर. पहले ये समझ लेते हैं, व्हेन आई से ए प्लस बी रेस टू फोर, तो चलो एक से स्टार्ट करते हैं. ए का पावर यहां पे क्या रहेगा, फोर, स्टार्ट फोर से होगा, फिर ए का पावर रहेगा थ्री, फिर ए का पावर रहेगा टू, फिर ए का पावर रहेगा वन, फिर ए का पावर रहेगा जीरो. देखो यहां पे ए की पावर कम होते जा रही है,
मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर हमेशा कम होगी. व्हाट अबाउट सेकेंड टर्म बी, उसकी पावर बढ़ेगी. मतलब स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से, फिर बी रेस टू वन, फिर बी रेस टू टू, फिर बी रेस टू थ्री एंड बी रेस टू फोर. बराबर बच्चों? नाउ लेट अस नाउ फोकस ऑन द साइन, कि यहां पे प्लस है तो सारे प्लस आने वाले. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्लस 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 प्लस. अगर यहां पे माइनस होता तो अपन अल्टरनेट साइन डालते, ये पता चल गया. अब बच गया क्या, कोएफिशिएंट, वो इंपॉर्टेंट है लिखना. तो कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट में आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा. उस शॉर्टकट को फॉलो कर लो फॉर टाइम बीइंग, फिर मैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं. पहले शॉर्टकट कैसे करने का देखो. मैंने यहां पे वन लिखा और ये वन मैं अभी यहां कॉर्नर में लिख रहा हूं. व्हाट इज वन प्लस वन, टू. वन प्लस वन इज टू. देखो फिर से अभी मैं क्या कर रहा हूं, कॉर्नर में मैंने स्टार्ट किया वन, एंड में मैंने लिखा वन. ठीक है. व्हाट इज टू प्लस वन, थ्री. टू प्लस वन थ्री. फिर से एक बार मैंने कॉर्नर में लिखा वन, यहां पे लिखा वन. व्हाट इज थ्री प्लस वन, फोर. व्हाट इज थ्री प्लस थ्री, सिक्स. व्हाट इज थ्री प्लस वन, फोर. अंडरस्टैंड हाउ आई एम एडिंग. चलो फिर से देखो, ट्राई करो. यहां पे वन लिखा, यहां पे वन लिखा. चलो फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव. सिक्स प्लस फोर कितना होता है, टेन. सिक्स प्लस फोर कितना होता है, टेन. फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव. चलो वन वन बच्चा कम ऑन. यहां पे 1 प्लस 5 कितना होता है, 6. 10 प्लस 5 कितना होता है, 15. 10 प्लस 10 कितना होता है, 20. 5 प्लस 10 कितना होता है, 15. 5 प्लस 1 कितना होता है, 6. तो इनको 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 ऐसा ऐड करके नंबर बनाया. ठीक है. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट. दिस इज द स्टेप वन. ये सेकेंड स्टेप है. ये मतलब मैं एक काम करता हूं, ये थोड़ा ट्राइंगल की तरह दिख रहा है. आप देखोगे तो ये थोड़ा एक ट्राइंगल की तरह दिखेगा. इसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं. ये शॉर्टकट अपन यूज करेंगे. ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. तो अभी देखो, अगर पावर टू है तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, वन टू वन. पावर टू के लिए कोएफिशिएंट वन टू वन. अगर पावर थ्री है तो कोएफिशिएंट क्या आता है, वन थ्री थ्री वन. देखो वन थ्री थ्री वन. तो अभी अपन क्या बना रहे, रेस टू फोर का बना रहे, राइट. तो रेस टू फोर के पावर क्या आएगा, वन फोर सिक्स फोर वन. ये वाली पावर मैंने लिख दी, या ये वाला कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया. सो नाउ इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो फिर ये चीज बहुत सिंपल हो गई. इसको हम कैसे लिखेंगे, नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम ए रेस टू फोर. दिस टर्म विल बिकम, क्योंकि वन ए रेस टू फोर, एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट, वन प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस दिस इज रेस टू जीरो इज वन वन. तो बी रेस टू फोर देखो आ गया. चलो ए प्लस बी रेस टू सिक्स करते, स्टार्ट करें फटाफट फटाफट. अभी जो भी बताया फटाक से अपन अप्लाई करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए. तो ए रेस टू सिक्स, ए रेस टू फाइव, ए रेस टू फोर, ए रेस टू थ्री, ए रेस टू टू, ए रेस टू वन एंड ए रेस टू जीरो. ए कम हो गया. दूसरा टर्म कौन सा है, बी. स्टार्ट करेंगे जीरो से, बी रेस टू जीरो, बी रेस टू वन, बी रेस टू टू, बी रेस टू थ्री, बी रेस टू फोर, बी रेस टू फाइव एंड बी रेस टू सिक्स. कोएफिशिएंट डाल दे बच्चों, सिक्स है तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां पे वन आएगा, यहां पे सिक्स आएगा. फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स एंड वन. और यहां पे मैं क्या डालता हूं, सारे प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन है. अगर माइनस होता तो हम क्या डालते, माइनस होता तो हम अल्टरनेट साइन डालते. नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट मी नो क्या आ रहा है इसका आंसर. ए रेस टू सिक्स प्लस सिक्स ए रेस टू फाइव बी प्लस फिफ्टीन ए रेस टू फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब प्लस फिफ्टीन ए स्क्वायर बी रेस टू फोर प्लस सिक्स ए बी रेस टू फाइव प्लस बी रेस टू सिक्स. देखो चुटकी में सॉल्व कर दिया इसको. ठीक है. तो ऐसे हम रेस टू थ्री से ज्यादा जो भी रहेंगे वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे. थोड़ा टेक्निक है, फोर फाइव सिक्स तक चल जाता है, बट इट अगेन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी. तो इससे भी अच्छा शॉर्टकट है और उससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम.
ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम. अभी इस चीज को थोड़ा और सिस्टमैटिक बनाते हैं, थोड़ा और मैथमेटिकल बनाते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न द मेन पॉइंट्स कि कैसे इस ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है और फिजिक्स में इसका यूज कहां पे और फिजिक्स में कितना पार्ट अपने को याद रखना है. सी वी आर लर्निंग ऑल दिस ओनली टू मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रांग, ओनली टू मेक आवर फिजिक्स स्ट्रांग. ठीक है, एक चीज आपको समझना है, फैक्टोरियल. अभी ये नया चीज है आपके लिए, फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, वो तो आप मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में आगे जाके, पर जितना रिक्वायरमेंट है जो चाहिए वही मैं बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं एन फैक्टोरियल, देखो ये रीड करते इसको, हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट, एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल का मतलब होता है इट इज इंटीजर एंड ऑल इंटीजर बिलो इट. इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर एंड ऑल इंटीजर बिलो इट. इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखता हूं एन इंटू मल्टीप्लाई इससे छोटा वाला नंबर, एक छोटा नंबर n से एक छोटा, दैट इज n माइनस वन, देन मल्टीप्लीकेशन फिर से n माइनस टू के साथ, फिर उसके बाद n माइनस थ्री के बाद, कब तक, जब तक लास्ट में थ्री टू और वन नहीं आता. दिस इज हाउ वी सॉल्व. सिंपल करते, चलो इसको सिंपल करते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं फोर फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों. I'll write this as 4 into इससे छोटे इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑल ऑल स्मॉल इंटीजर्स, into 3 into 2 into 1. जो भी आंसर आएगा आपको लिखना, ये 4 फैक्टोरियल का आंसर है. If I write 10 फैक्टोरियल, come on, how you are going to write it? 10 इससे छोटे सब, 10 minus 1 that is 9, 10 minus 2 that is 8, 10 minus 3 that is 7, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये फैक्टोरियल का मतलब होता है. दिस इज हाउ वी सॉल्व फैक्टोरियल. इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 10 into इस पूरे टर्म को मैं 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, यस और नो. सो व्हाट इज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n into n minus 1 फैक्टोरियल, यस और नो. So this is how we write. Then next step में क्या आएगा, n, n minus 1, फिर इसके बाद वाला n minus 2 factorial. ऐसे लिखते factorials को. तो factorial का मतलब याद रखिए, factorial का मतलब है integer और उसके सारे छोटे integers का multiplication. इसको बोलते हैं factorial. Easy? Next one. Next term what you are going to understand is the combination. कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द कलेक्शन. इट इज द सिलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते 10 मूवीज रिलीज हुए और उसमें से मैंने 3 क्या किए, सिलेक्ट किए, तो इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते. लिखने का मेथड देखो, सी एन आर. ठीक है, हाउ आई हैव रिटन इज सी एन आर. ये एन मतलब क्या, कि 10 मूवीज निकले, मतलब 10 मूवीज रिलीज हो गए, तो ये 10 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मूवीज. उसमें सिलेक्ट कितने कर रहा हूं, सिर्फ 3, तो आर ये सिलेक्शन हो गया. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन को, एनसीआर. ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशंस के सम्स जब आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं. देखो मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, इतना अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्विंग पार्ट अपने को समझना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आया NCR, तो इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. ये एक फॉर्मूला बनाया है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. कैसे करते इसको सॉल्व, लेट अस सी. और इस फॉर्मूला के साथ और एक दो चीजें आपको याद रखनी है, जैसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है. ठीक है, लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. इफ आई राइट 5c2, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन
2 factorial, 5 minus 1, that is 3 factorial. Yes or no? देखो 5 factorial, r यहाँ पे 2 है, 2 factorial, 5 minus 1, that is, 5 minus 2, that is 3 factorial. So this can be written as 5 into 4 into 3 factorial. Yes or no? We can stop here. We can use this method कि पूरा 1 तक लेके नहीं जाना है. Okay, 2 factorial का मतलब क्या आता है? 2 into 1 and 3 factorial मैंने यहाँ पे ऐसे रखा. तो 3 factorial, 3 factorial cancel, 2 1s are 2 2s are, answer कितना आएगा? 10. तो 5 2s are 10. Easy? और एक बार चेक करो. If I write, suppose 6C4, इसका आंसर कैसे आएगा? तो मैं इसको लिखता हूँ 6 into, sorry, this can be written as 6 factorial upon, what is the value of r? 4 factorial, yes. And यहाँ पे 6 minus 1, that is 2 factorial. तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा? 6 into, 5 into, 4 into, 3 into, 2, इतना नहीं लिखते बेटा, इधर रुक जाओ, factorial डाल दो. Upon 4 factorial into 2 factorial को अपन 1 into 2. क्योंकि मुझे पता है 4 factorial कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 3s are, आंसर कितना आएगा? 15. तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम कॉम्बिनेशन. अगर मैं यहां पे लिखता हूं NC0, अब मुझे बताओ अगर मैं NC0 लिख रहा हूं तो क्या आएगा? N factorial, ओके, into 0 factorial, what is value of 0 factorial? 1 into N factorial, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. तो अगर नीचे r की वैल्यू अगर 0 रहती है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. कितना आएगा आंसर? हमेशा 1 आएगा. ये बात आप याद रखो. या फिर मैं लिखता हूं NCN, मैंने लिखा NCN, तो इसको कैसे लिखेंगे? n factorial upon n factorial into n minus n factorial. तो ये तो 0 factorial हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1. मतलब ऊपर का और नीचे का अगर नंबर सेम रहेगा तो भी आंसर कितना आएगा? 1. तो याद रखो, अगर किसने बोला व्हाट इज 6c6, आंसर क्या आने वाला है? 1. व्हाट इज 7c0, आंसर क्या आने वाला है? 1. अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन के बारे में आप याद रखो कि कैसे सॉल्व करते हैं. दिस फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का. इजी? नाउ हाउ एम गोइंग टू यूज इट, लेट्स सी हाउ एम गोइंग टू यूज दिस इन द नेक्स्ट पार्ट. So let us start now with the binomial theorem. चलो मेरे पास एक टर्म है x plus a raised to n. क्या टर्म है? x plus a raised to n. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? I'll write in a very simple way. देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई. पहला तो कोएफिशिएंट, फिर x की पावर और फिर a की पावर. मतलब फर्स्ट टर्म की पावर, सेकेंड टर्म की पावर. तो फर्स्ट टर्म की पावर कम होते जाएगी. तो x रेस टू n, x रेस टू n माइनस 1, x रेस टू n माइनस 2, कहां तक कम होगी? टिल इट रीचेस 0. परफेक्ट. नाउ सेकेंड टर्म, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर रेस टू 1, raise to 2 and then raise to n, up to raise to n. तो second term बड़ा होते गया power में और first term छोटा होते गया power में. बराबर है? अभी combination डालते, तो combination raise to n है, तो start कैसे होते? देखो मैं combination में लिख रहा हूं nc0 nc1 nc2 और लास्ट वाला आएगा NCN. समझना बहुत इजी है. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, NN. मतलब अपना राइट है. नाउ द साइन, अगर प्लस है तो सारे प्लस आएंगे, अगर मैं ले रहा हूं माइनस तो बताओ कैसे आने वाला है? यहां पे प्लस आएगा, फिर ये माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस, और ऐसा ऑल्टरनेट साइन बनेगा. इज इट सिंपल? ये है बाइनोमियल थ्योरम. हम अपने ओन लैंग्वेज में भी याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. सी, इफ आई वांट टू फाइंड ए प्लस बी रेस टू 6, जो अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, तो कैसे करेंगे? कम ऑन, ए रेस टू 6, ए रेस टू
5, leave some space, a raised to 5, a raised to 4, a raised to 3, a raised to 2, a raised to 1, and a raised to 0. Think about b, it will start growing, b bada hoega, b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3, b raised to 4, b raised to 5, b raised to 6. And then the combination, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, and last 6c6. And then you can write alternate sign. और यहाँ पे सारे प्लस है तो सब प्लस आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया. नाउ आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, इजीली आंसर आ जाएगा, ये बाइनोमियल थ्योरम है. तो इसको सिंपलीफाई करके आंसर लिख सकते हो. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, उससे आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा. तो ऐसे यूज होता है कॉम्बिनेशन का, ऐसे यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम का. बट माई डियर स्टूडेंट्स, What actually we required in physics, जो बार बार आते रहता है, बार बार ये physics में आएगा. Look at this. If I write 1 plus x raised to n, तो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 plus x raised to n. How I'm going to solve it? चलो 1 raised to n, 1 raised to n minus 1. 1 raised to n minus 2, dot 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 dot, up to 1 raised to 0. तो पहला वाला टर्म छोटा हो गया, दूसरा वाला टर्म बड़ा हो जाएगा. तो कम ऑन, x raised to n, x raised to, x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to n. सारे प्लस है तो प्लस आ जाएंगे, तो यहां पे प्लस 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 सारे डाल दिए. एंड देन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैसे आएगा बच्चा, इट इज एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एंड लास्ट में एन सी एन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई से एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर एक्स बहुत छोटा है 1 से, तो रिमेंबर 1 से जो छोटे नंबर रहते हैं उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, उनका रेस टू 4 करने से वो और छोटे हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं 0.2 का रेस टू 4, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा. 2 रेस टू 4, वी नो व्हाट इज 2 रेस टू 4, दैट इज 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, और 4 नंबर पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 नंबर पहले पॉइंट, देखो नंबर कितना छोटा हो गया. तो छोटे नंबर का स्क्वायर हायर पावर लोगे तो हमेशा छोटा हो जाता है. सो गारंटेडली ये जो है x raised to 0, x raised to 1, यहां तक ठीक है, पर ये x square है, x cube है, ये सारे छोटे होने वाले, तो इन सब को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहां तक ही रखेंगे, यहां तक ही सीमित कर देंगे. विल वेट हियर, विल स्टॉप हियर, विल नॉट कंटिन्यू इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. So, how it can be written? NC0 को अपन क्या लिखेंगे? नीचे 0 रहेगा तो आंसर 1. Any 1 raised to anything is 1. X raised to 0 is 1. तो ये पूरा टर्म कितना हो गया? 1. NC1. नीचे 1 रहेगा तो ऊपर का ही नंबर आता है N. Into 1 raised to anything is 1. Into X. तो आंसर क्या आएगा? 1 plus NX. तो बच्चों देखो, 1 plus x raised to n, इसका आंसर क्या लिखा? 1 plus nx. ये शॉर्टकट आप याद रखो, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है. ओनली वेन n x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. और अगर 1 minus x raised to n रहेगा तो बच्चों क्या लिखोगे तुम लोग? 1 minus nx. तो ये बाइनोमियल थ्योरम, ये यूज होने वाला है फिजिक्स में बहुत ज्यादा, ये आपको लगेगा आगे वाले चैप्टर्स में. सो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट एक्शन. सो बाइनोमियल थ्योरम से अपने को कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिले, मैं फटाक से उसकी एक लिस्ट बना देता हूं जो अपने को याद रखना है. 1 प्लस एक्स रेस टू एन, ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस एन एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स रेस टू एन, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस एन एक्स.
वन प्लस एक्स रेस टू माइनस एन, बच्चों याद रखो इसका बनेगा वन माइनस एन एक्स एंड वन माइनस एक्स रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स एन, वेयर एन इज एन इंटीजर फ्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव ये फॉर्मूल यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे, मतलब इसको कैसे बनाने का रहता है, इसे उसका भी एक टेक्निक है बनाने के लिए, इस फॉर्मेट में उसको लेके आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी रेस टू एन एंड आई नो कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, तो अभी अगर मुझे इसको सॉल्व करना ना बच्चों, तो मैं ए कॉमन निकालूंगा, आई विल रिमूव ए कॉमन, सो ए रेस्ट टू एन क्योंकि इस ब्रैकेट में से बाहर निकल रहा है जिसका पावर एन है, तो वो पावर के साथ ही कॉमन निकलेगा, तो ए रेस्ट टू एन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों वन, क्योंकि ए कॉमन निकला वन, इधर ए नहीं है मैंने कॉमन निकाला तो वो डिनोमिनेटर में आएगा बी बाय ए रेस्ट टू एन। नाउ यू सी ए रेस्ट टू एन एंड वन प्लस बी बाय ए रेस्ट टू, तो ये जो है ना वो मैं इस फॉर्मेट में, तो ऐसे हम वन प्लस के फॉर्म में उसको लेके आएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो ये भी फिजिक्स में यूज होने वाला है, तो ये आप याद रखें। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, योर फेवरेट, यू हैव स्टडीड दिस इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड। क्वाड्रेटिक्स में अपन रूट्स फाइंड करते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन इसकी पावर क्या होती है 2। सो इफ आई राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये x क्या है वेरिएबल है और a b और c, a b और c कांस्टेंट्स। अब मुझे इस x का वैल्यू फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, तो एक हम मेथड यूज करते हैं जो सिंपल वाली है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच के टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, जो तुमने देखा है स्कूल लेवल पे। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वी हैव फार्मूला, वी हैव फार्मूला टू फाइंड रूट्स, एंड व्हाट इज दैट फार्मूला, एवरीवन नोस x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो इस फॉर्मूला से हम x की वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। ये बहुत बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन बचपन से पढ़ा है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके तो इसी तरह से समझ आएंगे, उस टाइम पे हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये नया चीज था जो फिजिक्स में लगता है। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।